मेरे पीछे दरियाई घोड़ा, ये देखो चोर का राम जी, चपल चोर छपरी कहीं के लिखा भी है दरियाई घोड़ा, कह रहे पता नहीं रहे पता नहीं क्या कह रहे हैं। 4000 किलोग्राम, कोई बात नहीं। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पैदल पैदल जंगल सफारी पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं अब आगे का नज़ारा बने रहे ब्लॉग में। तो हम लोग कर चुके हैं जंगल सफारी के अंदर प्रवेश, तो ये रहे हमारे सारे NSS के वॉलंटियर। तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारी आपस में तू तू मैं हो गई, क्योंकि एक लड़के ने खाकर जो प्लेट थी वैसी फेंक दी, तो हम लोग थोड़ा गुस्से में आ गए, मैं और अभिषेक भाई और हमारे महिपाल भाई। तो फिर लास्ट में उस बंदे ने सारी प्लेटें उठाकर हमारे साथ डस्टबिन में डाली, बहुत अच्छा लगा। फिर तो थोड़ा दूर चल के हमें ये एक स्क्रीन दिखी, इसमें हम अपने आप को खुद देख सकते हैं और इसमें तरह तरह के जानवर आएंगे। तो फिलहाल मैं नहीं दिख रहा हूँ, वो मैं आगे हूँ शायद बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे के देखता हूँ। तो देखिए सभी लोग अपना अपना चलचित्र यहाँ पर ले रहे हैं, अपनी फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं भी थोड़ा बहुत कैमरे की नज़र में आ चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आप मतलब सभी लोग ये देखें। मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ शेर के जस्ट बगल में। यहाँ पर आप अपना मतलब अपने आप को स्क्रीन में देख सकते हैं और जानवर के साथ अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। तो देखते हैं सीधा आगे का नज़ारा कि आगे और भी हमें एनिमल मिलने वाले हैं। तो आज तो खूब ही मज़ा आने वाला है, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे हमें लाइव देखने को मिलेगा। तो ये शिकायत है पहाड़ में पतनबाग, तो पतनबाग बैठ का अपनी बिल्कुल पोजीशन में, ये देखो सिल्वर फॉक्स। तो ये सिल्वर फॉक्स ये देखो ये शोर का चित्त करके, बस इसको कोई होश नहीं है, कितना भी जगा लो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल ये शोर का है, ये रही इसकी गुफा यानी कि इसका घर रहा। और देख सकते हैं हमारे सामने जंगल के राजा, हमारे सामने जंगल के राजा शेर हैं, देख सकते हैं बहुत दुबले पतले होर के हैं। कोई बात नहीं, दुबले पतले हम भी होर के हैं यहाँ के, मतलब हम तो पहले से ही दुबले पतले थे। ये तो ये भी ऐसे हमारे तरह दुबला पतला है, शायद इसे भी हमारे तरह खाना नहीं मिल रहा है, मतलब हमें मिल रहा है यहाँ, वो बात अलग है, हम खा नहीं पा रहे हैं। तो जंगल के राजा भी हमारे तरह दुबले पतले होर के हैं, उनके बच्चे आ चुके हैं उनके साथ खेलने कूदने के लिए। ये देख सकते हैं शेर की पूरी फैमिली आ गई है, शेरनी भी आ गई है, उधर से दूसरी शेरनी भी आ गई है। तो ये दो दो हैं भैया, दो दो पटरानी है उनकी, हाँ पहले बता रहा हूँ, तभी वो जंगल के राजा शेर हैं। तो देख सकते हैं बंटू टहलते टहलते हमारे पास आ चुका है, यह वो भी दर्शकों का सही मनोरंजन कर दे रहा है, उनका पैसा वसूल बिल्कुल फिट भयंकर। ये देखो यह आया शीशी की तरफ को, बस यहाँ से उसे पता है उधर नहीं आना है मेरे को बस, और वो दूसरा उधर को घूम रहा है, सही मनोरंजन हो रहा है दर्शकों का यार, पैसा वसूल। देखो ब्लैक अरे ये तेंदुआ तो देखा हुआ ठहरा हुआ है, तेंदुआ साला, ये तेंदुआ तो हमने देखा ही ठहरे, खैर बंटू हमारे मतलब ये काला वाला तो नहीं, लेकिन ये वाला जो ये है तेंदुआ, ये तेंदुआ हमारे पहाड़ में बहुत पाया जाता है। जैगुआर कमिंग सून। तो फिलहाल जंगली जानवर से मिलकर बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा को इनसे इनसे ज्यादा जानवर तो हमारे लोग है साले। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सफेद बाघ, तो सफेद बाघ इधर कहाँ, इधर देखो ये रहा सफेद बाघ, ये लो किस्मत ही खराब तुम्हारी, इधर को चल दे रहा हो, ये देखो आज से फिर मुड़ गया हो, कितनी किस्मत खराब है यार भैया, ये फिर तीसरी बार आया, ये लो भैया मुंह के सामने से तीन बार मतलब मेरे साथ ही पनौती है जी, ये लो भैया ये लो मेरे सामने से गुजरा भाई भाई क्या आखिर यार। तो मैं बैठ चुका हूँ वैन में और मेरे पीछे देख सकते हैं आप खूबसूरत खूबसूरत लोग बैठे हैं बहुत। तो अब दिखेंगे हमें तरह तरह के जानवर, जंगली जानवर, तो बने रहे हैं पूरे ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। हम मृग वाटिका में जा चुके हैं, अब यहाँ पर हमें मृग देखने को मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते ही हमें दिखा हिरनों का झुंड, हिरनों का झुंड और ये रहा भारत सिंह। तो अब हम देखने जा रहे हैं संभार, तो ये देखिए ये रे संभार, संभार का झुंड, ये देखो पूरा झुंड इनका यहाँ पर एकत्रित हुआ है, ये इनके लिए रहने का स्थान। और ये रे हमारे सफेद हिरन, मैं तो हिरन ही कहूंगा यार, मेरे को क्या पता क्या है ये, मान लो सामने है बारह सिंगा और यहाँ से आगे चल के हमें दिखा चाव का घर, ये शियार है यहाँ पर, ये बस बेचैनी रहती है इनको, बेचैनी दिखने में कुत्ते की तरह होते हैं लेकिन होते हैं बहुत चालाक, कुत्ते से भी बहुत चालाक होते हैं, अरे सारे लोमड़ी है कुत्ते को पाज मार के भगा देते हैं।
लोमड़ी तो मेरा भालू भालू सामने है दरियाई घोड़ा। हाँ दरियाई घोड़ा पिंक कलर का होता है ये, बिल्कुल पानी में लंबसार उड़ गया है। ये सारे जंगली आदमी इतना हल्ला कर रहे हैं पीछे से, चपल चोर छपरी कहेंगे, देख रहे भी नहीं रहे मेरे को। कितने आनंद से वो शोर का है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे पीछे दरियाई घोड़ा, ये देखो शोर का आराम से, चप्पल चोर छपरी कहेंगे, लिखा भी है दरियाई घोड़ा, कह रहे पता नहीं रहे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। 4000 किलोग्राम कोई बात नहीं। मेरे पीछे दरियाई घोड़ा, ये देखो शोर का आराम से, चप्पल चोर छपरी कहेंगे, लिखा भी है दरियाई घोड़ा, कह रहे पता नहीं रहे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। 4000 किलोग्राम कोई बात नहीं। क्वाटी दक्षिण अफ्रीकी क्वाटी अच्छा। तो भाई साहब यहाँ से अंदर मिलने वाले हैं तरह तरह के तोते फोते, एक से एक, मेरे को नाम नहीं पता भाई किससे क्या कहते हैं, देख लेना भाई चुपचाप से। यह लाल पीले नीले हरे रंग का तोता है ये। तो ये पता नहीं कौन सा पक्षी है, इसका नाम मेरे को नहीं मालूम, रंग बिरंगे तोता है, मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखे। ओ भयंकर, ये गोल्डन हेंजेंट, पढ़ना भी मेरे को थोड़ा कमी आता है वैसे। एक से एक तोता है यार, मेरे को तो नाम ही नहीं मालूम। ये देख सकते हैं, ये रहा आगे बतख और वो काले वाले बतख है। ये देखो बतख ही बतख, यहाँ बतख ही बतख, उधर सफेद रंग के देखो। ये देखो नागिन डांस दिखा रहे हैं तीनों, साथ में यहाँ नागिन डांस ही दिखा रहे हैं। अबे भाई मेरे को भी आता है देख। बंटो दो कपलों का जोड़ा देखो, यह दाना चुग रहे एक दूसरे को, दाना दे रहे हैं, हवा भर रहे एक दूसरे के मुंह में। यह देखो दो ये भी बैठे हैं पंछी। तो ये रहा जिराफ। तो सारे जानवर लगभग यहाँ पर दिख चुके हैं और सारे पक्षी भी दिख चुके हैं। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहे हैं, बड़े भैया हमारे, और इधर रहे शुतुरमुर्ग। आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे फोन का चार्ज हो गया 0, तो बाय बाय।